इधर यार, इसको पकड़ो सीपी जल्दी, पकड़ो 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 पकड़ लो, ऐसे आराम से पकड़ा जाता है ये। इसका मुंह देखो बेचारे कितना छुपा हुआ है। और इसको खाने में इतना मुश्किल हो रही थी आज, इतना मुश्किल हो रही थी, मुझे तो तरस आ गया। और मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको आज ट्रिम कर लिया जाए और अच्छा। ये खाना पीना सही से कर इसको ले। ट्रिम नहीं, इसके बालों को ट्रिम, वही यहाँ से सारी ट्रिमिंग करते हैं। अच्छा। इसकी कटिंग करते हैं आज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? हमारा जैकोबिन ना आज बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं इसकी कटिंग। सिप्ता मैं करता हूँ? नहीं भाई, नहीं नहीं मैं करूँगा। स्लो स्लो हो गया, सही ये हुई ना बात। अभी आराम से खाना खा पाएगा और प्यारा भी लग रहा है। हाँ ना, बहुत प्यारा लग रहा है, ताज बन गया इसका। हाँ। इसको छोड़ रहा हूँ, अब देखते हैं कितना उड़ता है। ठीक है, जा भाई। ओ वाओ, अब इसको आराम से देखें कैसे मुड़ के आया। नहीं सही किया इसने, इसको नजर आ रहा था पहले धड़म नीचे गिरता था। चलो ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। आज बाहर ही निकलना तुम्हें, ठीक है? बहुत तेज धूप है यार, बीमार हो जाओगे। यहाँ पर तुम्हें खाना मिल जाएगा, ठीक है? यार हमने छोटे परिंदों को ना बाहर ही निकाला आज, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप है, देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा आज धूप है। सकते हैं इधर आओ, आज कैंडलिंग करते हैं मुर्गी की। आ जाओ, मुर्गी की तकरीबन 5 से 6 दिन होने वाले हमारी मुर्गी अंडों को बाहर निकाल दे, शोर कर रही और मैं कह रहे थे यार इसकी आज कैंडलिंग कर लेते हैं, 5 से 6 दिन हो गए, पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, देखते हैं, मैं देखता हूँ। ये भी नहीं हो रहा कुछ भी सीपी, ये भी खराब है, ये भी खराब है। क्या कर रहे हो यार ये? नहीं करो ऐसे, अभी टाइम रहता होगा फिर रख दो यार, किसी की चेक नहीं करते, 2 दिन बाद चेक करेंगे। हाँ चलो ठीक है यार, अभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था ठीक से, तो मैंने सोचा इनको बोला रख दो, नहीं तो यार जहन में आ जाता अंडे सारे खराब है, क्योंकि उनके बाद हम चेक करेंगे। ऐसे नहीं लगे, हो रहा था। आ जाओ सिप्ता, आ जाओ, छोड़ो, जाओ भी जाओ, जाओ करो 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 करो, इसको तोड़े खिला दो मुर्गियों को, यहाँ पर तोड़ दो, देखते हैं इसकी हो रही थी इंक्यूबेशन। हाँ कुछ भी नहीं था यार, ये खराब अंडा यार, क्या कर दिया, जाओ दो क्या बात, जाओ। हाँ भाई, हेलो, कैसी हो? ठीक हो? मज़ा आ रहा है इधर? हाँ ऐश, क्या हुआ, चुप चुप हो आज यार। कैरियत कैरियत यार, बहुत मैले हो रहे हो तुम ऐश, तुम भी बहुत ज़्यादा मैली हो रही हो यार। जब तक हमारा घास नहीं उगता ना यहाँ पर, तो हमारे डॉग्स वगैरह ना इस तरह से मैले मैले रहेंगे, और हमारा घास उस टाइम उगेगा जब ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट, जो जो हमने बनवाना है एंड में हम घास उगाएंगे ताकि हमारा घास ख़राब ना हो। तो अभी मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, क्यों ना हम अपने डॉग्स के लिए शॉपिंग करने जाएं, मतलब कुछ चीज़ें जो इनकी ज़रूरी होती हैं, टॉयज़ वगैरह और इनके कंघे वगैरह सारा कुछ लेकर आएंगे आज। ठीक है ऐश, तुम दोनों के लिए अब शॉपिंग करने जा रहे हैं हम, और देखते हैं क्या मिलता है तुम्हारे लिए। ओके सुतैन, आओ यार चलें। एक मिनट यार, मैं इनका अंडा देख लूं, कल टूट गया था ना एक। हाँ, दूसरा अभी नहीं देगी, एक दिन छोड़ के देती है कबूतरी। क्या हो गया, एक साथ ही देते हैं? नहीं नहीं, एक दिन छोड़ के देगी ये कबूतरी ना। अच्छा हाँ, अभी आ जाओ चलें। एक मिनट, कोई दिया हुआ है क्या? नहीं, ये तो और है बेचारा, फिर नहीं है, नहीं अंडा कल देगी, आ जाओ चलें। ऐश और उसकी दोस्त की शॉपिंग करनी है आज, चलो चलो। हाँ शॉपिंग क्या होती है उसमें, कपड़े लेने हमके यार, उनके लिए टॉयज जिनसे वो खेलते हैं, शैम्पू वगैरह और कंघा वगैरह और कुछ ऐसी चीजें। हाँ बहुत मैले हो रहे हैं, उनको नहलाना भी है ना कुछ दिनों तक, फिर आ जाओ चलो, बंद कर दो ये, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है ना। आएगा यार, हमारी मूली फिशेज ने अभी तक बच्चे नहीं दिए, जो हमारे पहले वाली मूली फिशेज होती थी ना, वो बहुत जल्दी उसने उन्होंने बच्चे दिए थे, और हमारे इधर आपने देखे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन अभी तक ये चुप हैं, इन्होंने कोई बच्चे नहीं दिए। और जैसे चले दे देंगे। चले दोस्तों, अब जा रहे हैं हम मार्केट और अपने ऐश और उसकी दोस्त के लिए लेने जा रहे हैं कुछ चीजें। चलो 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 चलो, तो यहाँ चलते हैं यार, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, ये बिल्लियों का होता है भाई, चलो खेलने के लिए।
सर यहाँ से देख लिया हमने तो बहुत महंगा ही, बहुत महंगा भाई। चलो किसी और शॉप पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। चलो और शॉप बहुत है यार, आओ चलो पकड़ो मोबाइल। हाँ चलो चलो भाई बंद है यहाँ पर एक और शॉप थी सिद्धे, वो बंद है यहाँ पर एक और शॉप थी तो यार हमें वापस उधर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे जहन में था कि एक दो शॉप्स हैं लेकिन शायद मैं गलत आ गया हूँ, एड्रेस गलत है या बंद है। चलो हेलो कैसे हो यार, चलो 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 उधर चलो वापस चलो। तो अभी दोस्तों हम उसी शॉप पर जा रहे हैं अपने पेट्स का सामान लेने। तो यार भी तुराब गया हुआ है दोबारा से उसी शॉप में, तो देखते हैं कितनी देर में वापस आता है भाई। अब यहीं से लेना होगा जो भी लेना होगा जैसा भी है लेते हैं यार, क्योंकि जरूरत है ना चीजों की तो यहाँ से लेना जरूरी है। आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। हाँ भाई ले लिया, क्या क्या लिया? बहुत कुछ है देखो तो सही। अरे भाई ये तो फुल देखेंगे घर में। हाँ। चलो बहुत महंगा था यार। कोई बात नहीं, जरूरत की चीज है ना वो भाई। चले हाँ चलो आ चलो चला जी चलो चला चला आई आई आ जाओ सिद्धांत। चलो तो मैं किस चीज में रख के आता हूँ सारी चीजें, ठीक है? आ रहा मैं, आ रहा हूँ मैं भी आता हूँ यार। बहुत सारी चीजें तो सारी चीजों को ना हमने ना टोकरियों में डाल दिया। चलो भाई चलो। हाँ भाई किधर है जिनके लिए हम लाए हैं? ये है जनाब जी इन दोनों के लिए सारी चीजें। ये देखो तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आए यार, ये सब तुम्हारे लिए। वाह इनको पता ही नहीं है क्या चीजें, तुम ऐसे ही दिखा रहे हो उनको। एक मिनट मैं दिखाता हूँ ना क्या क्या चीजें इधर रखते जाओ। इनके, इनके सामने दिखाते ना इनको। अच्छा इनके ये बात भी सही है। अच्छा देख कैसे रहे, ये तुम्हारे लिए परफ्यूम है ठीक है ओके, और ये तुम्हारे लिए टॉयज है। सही है देख कैसे रहे, रखते जाओ रखते जाओ। तुम्हारी सफाई के लिए ये भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही और है। और ये तुम्हारे लिए बर्तन लेकर आए यार, बहुत ज्यादा छोटे थे वो। हाँ खाना गिर जाता था जमीन पर। अच्छा अच्छा तो हम इनके लिए ना बड़े बर्तन लेकर आए ताकि आराम से खाना खाए। ठीक है भाई और क्या लाए हो? और है जी ये तुम दोनों के लिए शैम्पू नहलाने के लिए। सही है। ये है कंघा। सही है हाँ समझ गया। और बाल सीधे हो जाएंगे ठीक है। और ये समझ जाओ ये इसके लिए है, ये जो गंद करेंगे ना ऐसे खोलेंगे। हाँ। और ऐसे बंद फिर वापस। ये देखो और क्या है ये कॉलर। सही है ट्रैवलिंग में काम आ गया। ठीक है और यही कुछ है और नहीं है। काफी है। तो अभी हम क्या करेंगे कितना? हाँ इन बर्तनों में खाना देंगे। अच्छा और कल अपने डॉग्स को नहलाएंगे। अच्छा है? सुकून से ऊपर छत पर लेके जाएंगे धूप में। हाँ धूप में लॉक ऊपर करते हो ना उठ जाते हैं। हाँ भाई बस खोलने ही वाले हैं। ये देखें आ जाओ ये है टॉयज उसके पास जाओ। ओ, अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। ये देखो ये छोटा इसका है और ये बड़ा हमारे ऐश का है। ठीक है हेलो ओ निकालो फंस गई अंदर। चलो गुड चलो भाई एक मिनट रुक जाओ रुको आज इनको ना बंद नहीं करेंगे अलग अलग। अच्छा एक साथ देंगे एक ही बर्तन होंगे। अच्छा थोड़ा दूर दूर करके ठीक है ओके। हाँ दे रहा हूँ क्यों इनको यार पता कैसे चलते मैंने दिखाया भी नहीं है कि यार मैं इनको खाना। भाई प्लेट है ना नीचे से नजर आ रहे हैं उनके, इसके अंदर कुछ ना कुछ है चाहे खाली क्यों ना हो। देखो तुम्हारे लिए दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं लड़ पड़ोगे तुम लोग। एक मिनट कर लो तुम इनको यार खुश करो। मैं इनको बोटी छोटी मैं कैसे खुश करूँ? आ जाओ मेरे पास आ जाओ जब तक टाइम पास हो जाएगा। नहीं भाई नहीं यहाँ तक खुशबू आ रही है तो इनको भी तो आ रही होगी ना। इधर इधर तो आप अलग अलग रखना ज्यादा करीब करीब ना रखना फिर लड़ते हैं। एक तुम्हारे पास है, एक मेरे पास। चलो हाँ ये सही है तुम उसको तो मैं इसको देता हूँ।
अब लड़ाई नहीं होगी इनकी, लेकिन ये इनके साथ लड़ेगा देखना। ओए काम चेक करो यार, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक था। वो देखें ऐश भी यार अपना आराम से खा रहे हैं और उसकी दोस्त भी आराम से खा रही है, लेकिन ऐश की स्पीड आज बहुत ज्यादा थी और इसकी दोस्त की स्पीड अभी थोड़ी सी स्लो है, सुबह काफी तेज थी। खाओ भी खाओ, खाओ जल्दी खाओ, शाबाश। नहीं होगी अब, खाना है नहीं, क्या लड़ाई करेंगे। तो यार ये सुबह से ही अंदर ही हैं, तो मैं कहता हूँ अभी बाहर निकालते नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में फिर दोबारा अंदर रखना पड़ जाएगा। तो आज के दिन ये अंदर ही सेफ्टी रूम में रहेंगे। और ईगल हमारा ये अंदर नहीं अच्छा लग रहा, मैं कहता हूँ इसको उठा लेते हैं और बाहर बिठाते हैं। हाँ भाई, हाँ आ जाओ, चलो जी सही है, ठीक है बैठ जाओ। अच्छा वही शाम का टाइम होता है ना, ये चिल्ला यहाँ से गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो जाती है। इसका क्या करें यार, तो मैं क्या करता हूँ अपने कबूतरों के पास चला जाता हूँ कि ये ना दोबारा आ जाए, वो चक्कर तो लगा रही है। ये देखें बेचारे डरे हुए हैं, जब ये डर जाते हैं ना एक ही जगह पर सुगड़ के बैठ जाते हैं सारे के सारे इकट्ठे। तो अभी भी वैसा ही सीन है, देखें कुछ इधर बैठे हैं और सारे के सारे बाकी इधर बैठे हैं। तो मैं देखता हूँ जब तक आती है तो मैं इनको बंद कर देता हूँ इसके अंदर। शाबाश, सारे के सारे कबूतर ना यार कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर चले गए हैं, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर ये सिक्योर है। तो यहाँ से मैंने पानी चला दिया यार, कुछ परसेंट मैं पानी निकाल लेता हूँ और कुछ ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट है और ये ड्रेन हो जाएगा यहाँ से। भाई 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 इधर आओ यार, क्या हुआ? आओ तो सही, कुत्ता पैंथर नहीं है, चला गया यार। यहाँ पर ना पौधे वगैरह लगाने। अच्छा, तो भाई को मैंने बुलाया है। अच्छा, अच्छा, आप अपने हाथों से पौधे लगाए, इन्होंने जो भी पौधे लगाए ना नीचे, हाँ, हाँ। सारे हो रहे हैं। ओके, हाथ में बरकत है यार, क्या बात है भाई। अच्छा लगाएंगे इधर, ये सेटिंग करनी है, ये देख रहे हो आप, हाँ। ये वाली और वो वाला जो टुकड़ा है, सही है, लगाने ताकि ना इस मौसम में। भाई हम चाहते हैं पूरा ये जो है ना एरिया सारा का सारा, यार जब से मैं है ना ये मास्टर के जोर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना पूरा बाग बन जाए, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ मैं। इंशाल्लाह आपने बना देना है, इंशाल्लाह बनेगा, इंशाल्लाह चलो आप देख लें, ठीक है। तो यार अभी तुराब ने भाई को समझा रहे कि इस एरिया को कैसे हमने ग्रीन करना है, अच्छा करना है, पौधे लगाने, प्यारा बनाने, कैसे रूखा रूखा है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो कर रहे हैं यार, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, जैसे मिनी जू को कर रहे हैं ना ऐसा ऐसा, साथ में इसको भी करते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने माली भाई को समझा दिया कि कौन कौन से यहाँ पर पौधे लगाने, कौन सी बेलें लगानी है, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पौधे लग जाएंगे। और हमारा गोट फार्म भी देखें अब बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, और काफी भाई मुझे कह रहे थे कि भाई अपन गोट्स ना लेकर आए क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया, आप यहाँ पर रखें उसको। तो इंशाल्लाह दोस्तों हम अपनी गोट्स भी यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर से हमारे छत पर बकरियाँ आ जाएंगी बहुत जल्द। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिद्यात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। आज हम अपने हस्की डॉग्स के लिए शॉपिंग करने गए थे और सारा कुछ उनको दिखा दिया कि हम आपके लिए ये सारा कुछ लेकर आ गए। इंशाल्लाह दोस्तों हम कल इनको नहलाएंगे और फिर देखेंगे हमारे हस्की किस तरह से दिखते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। टेन पानी खत्म हो गया यार, मोटर चलवा दो, ध्यान से उड़ जाएंगे, तो चला दो सही है।